morning students, this is Dr Amresh Pattnaik from AMRESH'S classes YouTube channel. Pila mane aji navam shreni ro ditiya patha prathama biswajuddha karana o phala phala bisare janiba. Prathame first world war causes and consequences. Prathama biswajuddha kebe arambha hoitla ta tumi janicho to bartan janiba tar karana kon thile aa tar phala phala. प्रथम विश्वयुद्ध 1914 मसिया रे केबे ना 1914 मसिया रे आरंभ होई दीर्घ 4 वर्ष रो उद्धव काल व्यापी रहितबा प्रथम विश्वयुद्ध मनुष्य जाति रो इतिहास रे ए पर्यंत संगठित समस्त युद्धडरु अधिक मारात्मक शक्तिशाली संगठित आ भयावह थिला कोन थिला मारात्मक थिला शक्तिशाली थिला संगठित थिला आ सबुठारु भयावह थिला होची ए प्रथम विश्वयुद्ध जो कि 1914 मसिया रे आरंभ होइतिला आ 1919 मसिया रे 5 वर्ष 4 वर्ष प्लस 5 वर्ष प्राय से लागितला तो एथिरे पृथ्वी रो अधिकांश उन्नत देश भाग नैथिले ओ अनेक आधुनिक ध्वंसात्मक युद्धास्त्र मध्य सेथिरे व्यवहृत होइतिला जो युद्धास्त्र वर्तमान ताठरो आहुरी ध्वंसात्मक युद्धास्त्र बाहरी गलाणी एही युद्धरे सैन्य माने व्यतीत युद्धरत देश मानंकर जनसाधारण को मध्य प्रकार अंतरे भाग नेबा को पडिथिला केवल सैन्य माने नहि से देशर जो जनसाधारण थिले से माने मध्ये युद्धरे भाग नेइथिले तेनो यहाकु विश्व युद्ध आख्या दियाइछि कोन आख्या दियैछि ना विश्व युद्ध बोलियाकु आख्या दियैछि यहार समाप्त हेबार मात्र 20 वर्ष परे अन्य एक विश्वयुद्ध संगठित होइतला एही युद्ध को प्रथम विश्वयुद्ध भाबे नामित कराइछ काहेकि निम्नक्त सुदृ आसन्न कारण परिस्थिति जोगु ए युद्ध पई दाइथिले प्रथमे आमे जानिबा एही जो हमर विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होला तार सुदृ कारण कोन थिला प्रथम कारण दि हला कूटनैतिक चुक्ति ए कूटनैतिक चुक्ति कोन से विषय जानिबा कूटनैतिक चुक्ति कोन ना जर्मनी रो एकत्रीकरण रे मुख्य भूमिका ग्रहण करितिबा 1871 मसिया रो 1890 मसिया पर्यंत जर्मनी रो चांसलर रूपे क्षमता रे थिबा के क्षमता थिले जानि जबिले ए एटोवान बिस्मार्क एटोवान बिस्मार्क के कूटनैतिक चुक्ति व्यवस्था प्रथमे से आरंभ करथिले के से जानिछ से महान व्यक्ति जन कहउचंदी एटोवन बिस्मार्क ए व्यक्ति जनक चित्र तमे देखि पारिबो ए एटोवन बिस्मार्क ये कोन करथिले तांक विषय रे जानिबा ए जो कूटनीति करथिले से कूटनीति रो कोन करथिले से कूटनीति करी 1870 मसिया रे सिदान केते मसिया ना 1870 मसिया रे सिदान युद्ध रे फ्रांस जर्मनी द्वारा परास्त होय परे दुई देश मध्ये रे फ्रैंकफर्ट संधि स्वाक्षरित होइतला की संधि ना फ्रैंकफर्ट संधि स्वाक्षरित होइतला ताकु ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट मध्ये कुआ जाय कोन कुआ जाय ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एही संधि अनुसार फ्रांस तार दुईटी प्रदेश जथा अल्सेस ओ लॉरेंस जर्मनी को हस्तांतर करथिला फ्रांस कोन कोन दुईटी प्रदेश थिला तार गोटे थिला अल्सेस आ गोटे थिला लॉरेन एही दुईटी से कहा को देला ना जर्मनी को से हस्तांतर कर देथिला यहाँ पर डर फ्रांस हो रही थी अंचल उड़ी को फेरी आने वापस एवं तारा अपमान जनक को पराजय और प्रतिशोध नवा पाएं चाहिला तो न फ्रांस को यूरोप रे एक घर किया करीबा उद्देश्य रे बिस्मार्क कौन करे थे से भी जान चो एक घर किया करीबा उद्देश्य रे बिस्मार्क ये जो ऑटोवान बिस्मार्क गोटे चुक्ति व्यवस्था आरंभ कर थे प्रथम से जर्मनी ऑस्ट्रिया रुषिया सम्राट मान को एकत्र कर त्रि सम्राट संघ गठन करते कौन करते ना जर्मनी ऑस्ट्रिया आउ रुषिया ए तीनटा जो सम्राट माने थिले सेमान को सब एकत्र करथिले आउ से त्रि सम्राट संघ गोटे गठन करथिले किंतु 1878 मसिया रे बर्लिन महासभा रे बल्कान अंचल रे ऑस्ट्रिया रो प्रवेश प्रति बिस्मार्क समर्थन घोषणा रुषिया को असंतुष्ट करथिला काहेकि से रुषिया आउ ऑस्ट्रिया परस्पर ठारो विच्छिन्न हेबा भली परिस्थिति सृष्टि हला
ଅପରନ୍ତୁ 1879 ମସିହାରେ ବିସ୍ମାର୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1879 ମସିହାରେ ବିସ୍ମାର୍କ କାହା ସହିତ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ଗୋଟିଏ ରାଜିନାମା ସେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। 1882 ମସିହାରେ ଏହି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଜିନାମାରେ ଇଟାଲୀ ଯୋଗ ଦେଲା, ଫଳରେ ଜର୍ମାନୀ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଜର୍ମାନୀ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କଲା ତା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଟ୍ରିପଲ ଆଲାଏନ୍ସ ବା ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଗଲା। ଏହି ମେଣ୍ଟ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷାତ୍ମକ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମେଣ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପରସ୍ପର ନିରାପତ୍ତା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଲେ। ତେଣୁ 1890 ମସିହାରେ ବିସ୍ମାର୍କ ପତନ ପରେ ୟୁରୋପରେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। କେତେ ମସିହା ନା 1890 ମସିହାରେ ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କର ପତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ରୁଷିଆ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1894 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାତ୍ମକ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଏକ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1894 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରକ୍ଷାତ୍ମକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଏକ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକ ବେଳକୁ ୟୁରୋପର ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ୟୁରୋପରେ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ୟୁରୋପର ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏଭଳି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କୌଣସି ଦେଶ ସହିତ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ନିରପେକ୍ଷ ରହିଥିଲା। କିଏ ନିରପେକ୍ଷ ରହିଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡ କୌଣସି ଦେଶ ସହିତ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ସିଏ ନିରପେକ୍ଷ ରହିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀର କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। ସିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନିଜର ନିଷ୍ପକ୍ଷତା ନୀତି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିଥିଲା, ସେ ନିରପେକ୍ଷତା ସିଏ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଜର୍ମାନୀର କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ବିଶ୍ୱରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 1902 ମସିହାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜାପାନ ସହିତ, 1904 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ, 1907 ମସିହାରେ ରୁଷିଆ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ ନିରପେକ୍ଷତାରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖିଲା ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ରହିବ ତାକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 1902ରେ ଜାପାନ ସହିତ, 1904ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ, 1907ରେ ରଷିଆ ସହିତ ସେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ରୁଷିଆ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିମିତ୍ର ପକ୍ଷ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ୍ରିମିତ୍ର ପକ୍ଷ ବା ଟ୍ରିପଲ ଏଟେଣ୍ଟ। ବିସ୍ମାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିମିତ୍ର ପକ୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଶତ୍ରୁତା ହିଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ତ୍ରିମିତ୍ର ପକ୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହାକୁ ନା ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟକୁ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏକ ସୁଦୂର କାରଣ ହୋଇଗଲା। ମନେ ରହିଲା ପିଲେ? ତାପରେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ଜାଣିବା? ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ, ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା, ଯଦିଓ ସେ ଭିତରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତଥାପି ସମୟକ୍ରମେ କେତେକ ଦେଶରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଏ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା, ବିଦ୍ୱେଷ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ୟୁରୋପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀର ଜନସାଧାରଣ ଓ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାତୀୟତାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜର୍ମାନୀକୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଜର୍ମାନୀର ଯେଉଁ ଯିଏ ଥିଲେ କିଏ ନା ଜନସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଜାତୀୟତାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହାକୁ ନା ଆମର ଜର୍ମାନୀକୁ ସେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ବଲକାନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତା ଭାବେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।
ए प्रकार उद्यम जातीय मनोभाव जर्मानी और इंग्लैंड मध्यरे उत्तेजना और शत्रुता वृद्धि करिबारे सहाय्य कला एवं विश्व शांति और आंतर्जातिकता पाई विपद सृष्टि कला। जेहेतु से जर्मानी और इंग्लैंड मध्यरे उत्तेजना और शत्रुता वृद्धि करला फल कौन है तार विश्व शांति आंतर्जातिकता पाई से बड़ विपद हो ठिया होगला ता रास्त यह सामरिक प्रतियोगिता विषय आम जाना ये सामरिक प्रतियोगिता कौन सामरिक प्रतियोगिता विषय जाना तो उग्र जातीयतार तीव्र परिप्रकाश जो प्रत्येक देश निजक शक्तिशाली करने को चाहिए फल परस्पर मध्य सामरिक शक्तिर प्रतिद्वंदिता सृष्टि गोटे देश कहला अरे मोर सामरिक शक्ति बहुत सी कहला मोर सामरिक शक्ति बहुत यही प्रत्येक देश देश मध्य सामरिक शक्तिर प्रतिद्वंदिता सृष्टि आरंभ हो गला। यूरोपे प्राय समस्त देश निजर पदातिक बाहिनी और नौ बाहिनी वृद्धि करने उद्यमरत हेले प्रत्येक देश निजर एक गुप्तचर संस्था भी रखिले प्रत्येक देश तार गोटे गुप्त चंद्र गुप्तचर संस्था बा गुइंदा संस्था रखिले जहाँफल कि से कले ना अन्य देश में कौन हो कौन ना जो आम शस्त्र अस्त्रशस्त्र कौन अच्छी नौबाही कौन अच्छी पदातिक बाहन कौन अच्छी सब विषय से मैंने तथ्य संग्रह करें। 1890 मसीह जर्मानी निजर नौशक्ति इंग्लैंड अपेक्षा अधिक वृद्धि घटाई बोली घोषणा करदेला सी कहला जर्मानी कौन कला 1890 मसीह सी कहला मोर इंग्लैंड अपेक्षा नौशक्ति अधिक वृद्धि अच्छी बोली से घोषणा कला। नौबाहिनी अत्यधिक जर्मानी उद्यम को इंग्लैंड निज सुरक्षा प्रति एक धमक बोली विवेचना कला। यही दुई देश मध्य प्रतिद्वंदिता शत्रुता मनोभाव सृष्टि से समय अनेक नूतन युद्धास्त्र वैज्ञानिक उद्भावन घटवर यूरोपीय देश मैंने बहु परिमाण में विनाशकारी अस्त्रशस्त्र मान निर्माण भी कले कहीं से तो वैज्ञानिक उद्भावन ये जो नूतन नूतन युद्धास्त्र वैज्ञानिक उद्भावन घटी फल सब देश चाहिए आमर से नुआ विनाशकारी अस्त्रशस्त्र से निर्माण करने को चलने फल परस्पर मध्य सशस्त्रीकरण तीव्र प्रतियोगिता सृष्टि यूरोपीय देश मानक ए प्रकार चरम सामरिकवादर द्रुत विकास प्रथम विश्वयुद्ध पर व्यापक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता। जेहेतु समस्त पाखे वैज्ञानिक उद्भावन नूतन युद्धास्त्र तो से चाहिए परस्पर प्रति कौन करेंगे ना सामरिकवादर द्रुत विकास जो प्रथम विश्वयुद्ध व्यापक पृष्ठभूमि प्रस्तुत हो गला। साम्राज्यवादी नीति आम वर्तमान जानवा साम्राज्यवादी नीति विषय यूरोप शिल्प विप्लवर अग्रगति होगा संगे संगे यूरोपीय देश मानक नूतन समस्या मान देखादेला शिल्प प्रधान देश मानक अधिक धनशाली होगापी तीव्र प्रतिद्वंदिता सृष्टि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि जो कंचामाल आवश्यकता पूरण पर निजर चाहिदा ठार अधिक उत्पादित होता द्रव्यर बजार अन्वेषण एवं विक्रय वृद्धि पाता जनसंख्यार जनबसती निज देश बाहर नूतन अंचल खोजा आवश्यक चलला से चलने कौन ना निज देश बाहर नूतन अंचल खोजा आरंभ करदे जहाँफल कि निजर चाहिदा ठार जो अधिक उत्पादित द्रव्य आसला से आरंभ कले द्रव्यर बजार अन्वेषण एवं विक्रय वृद्धि होता जनसंख्यार बसती निज देश बाहर नूतन अंचल गोटे खोजा से आरंभ करदे से यूरोपीय मैंने एशिया और आफ्रिकार अनुन्नत अंचल गुड़िक अर्थनैतिक आधिपत्य विस्तार कले और अर्थनैतिक प्रभाव विस्तार संगे संगे राजनीतिक आधिपत्य विस्तार उद्देश्य उपनिवेश मान स्थापन अग्रसर से मध्य क्रमे प्रतिद्वंदिता आउ शत्रुता वृद्धि कला कहीं परस्पर चाहिए जे आमर कौटि गोटे भल अंचल मिलू से वाणिज्य विस्तार करेंगे तो एशिया और यूरोप अनुन्नत अंचल को अर्थनैतिक आधिपत्य विस्तार करते तेणु से मध्य क्रमे प्रतिद्वंदिता आउ शत्रुता वृद्धि पाला। बिस्मार्क औपनिवेशिक विस्तारण नीतिर सपक्ष में नथिले तेणु बिस्मार्क कौन करते ना औपनिवेशिक विस्तारण नीतिर सपक्ष में नथिले से चाहूंगे औपनिवेशवाद न करने कहीं सी निजे चाहूंगे सबुजाक निजर आयत्त करने किंतु परे काइजर द्वितीय विलियम औपनिवेशवाद नीति ग्रहण करते कि आसे ना काइजर द्वितीय विलियम सी आरंभ कले औपनिवेशिकवाद नीति ग्रहण करते से एशिया और आफ्रिकार अनेक अंचल वाणिज्य कारबार पर इंग्लैंड और फ्रांस नियंत्रणाधीन हो सारी तेणु जर्मानी और इटाली को नूतन अंचल मान अनुसंधान करने को पड़ता तेणु जर्मानी और इटाली कौन कले नूतन अंचल मान
अनुसंधान करने को लगी पड़े। वर्तमान देश देश मध्यरे अहेतुक औपनिवेशिकता प्रतिद्वंदिता सृष्टि होला। एही प्रतिद्वंदिता मूलक औपनिवेशिकवाद रु उग्र साम्राज्यवाद जन्म नेगला। कौन नेगला? उग्र साम्राज्यवाद। ए औपनिवेशिक विस्तारण द्वारा जर्मनी इंग्लैंड ठारु अधिक शक्तिशाली हो जाय पारे बोली कि आशंका कला ना इंग्लैंड टी आशंका कला जे जर्मनी इंग्लैंड ठारु अधिक शक्तिशाली हो जाय पारे। फल इंग्लैंड और जर्मनी मध्य संपर्क धीरे धीरे तिक्त होगा लगला, खराब होगा लगला, से द्वंद्वता सृष्टि। उन्नीस मसीह जर्मनी को औपनिवेशिक प्रतिद्वंदित हटावा इंग्लैंड फ्रांस सहित आउ थे हाथ मिसेदेला। क्या सहित? इंग्लैंड फ्रांस सहित हाथ मिसेला। कते मसीह? 1907 मसीह। तेणु यह साम्राज्यवाद नीति हूँ प्रथम विश्वयुद्ध एक सुदृढ़ कारण। यापरे पंचम कारण विषय जानिबा जर्मनी रो प्राच्य नीति कौन थी से विषय में जानिबा। 1878 मसीह बर्लिन महासभा परे तुर्की अभ्यंतरीण व्यापार प्रति इंग्लैंड प्रबल उदासीनता और विष्णु वितुष्णार सुजोग नहीं जर्मनी तुर्की सहित मित्रता टिके स्थापन करदेला। कहीं देखला इंग्लैंड प्रबल उदासीनता कहार ना बर्लिन महासभा परे तुर्की अभ्यंतरीण व्यापार जिते रही इंग्लैंड प्रबल उदासीनता देखाई वितृष्णा देखाई तेणु जर्मनी तुर्की सब उत्तम बंधु बोली काइजर द्वितीय विलियम तुर्की सुल्तान को आश्वासन देते। काइजर द्वितीय विलियम कौन कले तुर्की जी सुल्तान थे कहले जर्मनी तुर्की सब उत्तम बंधु बोली से आश्वासन देते। प्रकृत जर्मनी निजर वाणिज्य व्यवसाय वृद्धि करने उद्देश्य और बर्लिन बागदाद रेलपथ प्रकल्प निर्माण करने तुर्की अनुमति आवश्यक करूला तेणु से तार बंधु बोली कौन देता ना आश्वासन देता। किंतु आर मुख्य उद्देश्य कौन थी ना जर्मनी निजर वाणिज्य व्यवसाय वृद्धि कर आउ कौन कर ना बर्लिन बागदाद जो रेलपथ निर्माण चलता से रेलपथ प्रकल्पटा निर्माण करने की तार मुख्य उद्देश्य थी। इंग्लैंड को विरोध करिया कारण यही रेलपथ निर्माण हेले यह भारत एवं एशियार अन्यान्य स्थान रे थिबा ब्रिटिश साम्राज्य पई एहाको विपद रो सृष्टि करि पारिबो तेणु से इंग्लैंड कोन कला एहाको विरोध करथिला। जर्मनी रही प्रकल्प सिबियार फ्रांस रो आधिपत्य प्रति एक विपद सृष्टि करथिला। कोठी ना सबियारे फ्रांस रो आधिपत्य प्रतिबंध विपद सृष्टि करथिला। एभली परिस्थिति रे जर्मनी रो बर्लिन बागदाद रेलपथ निर्माण प्रस्ताव को इंग्लैंड और फ्रांस विरोध करिबा को फ्रांस रो घनिष्ठ बंधु हिसाब रे रूसिया मध्य जर्मनी रो प्राच्य नीति को विरोध करथिला। यहाँ परे आमे जिबा मोरक्को संकट विषय रे जानिबा।